भारतीय ध्वज, जिसे तिरंगे के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। यहाँ भारतीय ध्वज के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। भारत के झंडे का डिजाइन, जो पहली बार 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया गया था, पिंगली या पिंगले वेंकैया द्वारा बनाया गया था। भारतीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसे पहली बार 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था, जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। भारतीय ध्वज में समान चौड़ाई की 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया नारंगी है, बीच वाली पट्टी सफेद है और नीचे वाली पट्टी हरी है। भगवा रंग साहस, बलिदान और निस्वार्थता का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है, जो 24 तीलियों वाला चक्र है। ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र कानून के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे भारतीय सम्राट अशोक द्वारा अशोक स्तंभों पर अंकित किया गया था। ये प्रगति के नेक मार्ग का प्रतीक है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जो दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि देश को अथक परिश्रम करना चाहिए। भारतीय ध्वज का अनुपात 2:3 है, जिसका अर्थ है कि ध्वज की चौड़ाई 2 इकाई और लंबाई 3 इकाई है। भारतीय ध्वज को हमेशा ऊंचे और सम्मानित स्थान पर फहराना चाहिए। इसे कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए या इसे पर्दे या बिस्तर के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों और संस्थानों के साथ साथ राष्ट्रीय छुट्टियों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान भी फहराया जाता है। भारतीय ध्वज का उपयोग भारतीय एथलीटों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के दौरान देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय छुट्टियों पर झंडा औपचारिक रूप से फहराया जाता है। इन आयोजनों को देश भर में ध्वजारोहण समारोहों, परेडों और समारोहों द्वारा चिन्हित किया जाता है। भारतीय ध्वज से जुड़े कुछ विवाद भी हैं। ध्वज का दुरुपयोग, ऐसे उदाहरण हैं जहां भारतीय ध्वज का अनुचित उपयोग किया गया, जैसे कि इसे कपड़े, सहायक उपकरण या वाणिज्यिक विज्ञापन में उपयोग करना। इस तरह की कार्रवाइयों ने राष्ट्रीय प्रतीक के उचित उपयोग और सम्मान को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। राष्ट्रगान और सिनेमा विवाद। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने को लेकर विवाद बहस का विषय था, जबकि इरादा देशभक्ति को बढ़ावा देना था। इस बात पर बहस हुई कि क्या यह आवश्यक था और क्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात करता है। झंडा जलाने का विरोध। भारत में झंडा जलाने के विरोध की कई घटनाएं हुई हैं, जो अक्सर सरकारी नीतियों, सामाजिक मुद्दों या कथित अन्याय के खिलाफ विरोध के रूप में होती हैं। ऐसी घटनाओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के बारे में बहस छेड़ दी है। ध्वज अपमान कानून पर बहस। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने को लेकर बहस जारी है। समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा करना आवश्यक है, जबकि विरोधी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हैं। ऑनलाइन विवाद, प्रोफाइल चित्रों, इमोजी और डिजिटल कला में इसके उपयोग पर बहस के साथ सोशल मीडिया पर भारतीय ध्वज से संबंधित विवादों का हिस्सा देखा गया है। ये विवाद अक्सर इस बात को लेकर घूमते रहते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में झंडे का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाना चाहिए। महान भारतीय ध्वज स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय ध्वज ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्वतंत्रता शांति और एकता के लिए भारतीय लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारतीय ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन और उपयोग से संबंधित नियमों और विनियमों का एक समूह है। इसे ध्वज के प्रति उचित सम्मान और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था। कोड ध्वज को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है, जिसमें इसके आकार, रंग और स्थान के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। 7 जून 2015 को भारत ने चेन्नई के मरीना बीच पर 50,000 से अधिक लोगों के साथ सबसे बड़ा मानव ध्वज बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए आयोजित किया गया था। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा 360 फुट ऊंचा तिरंगा अटारी सीमा पर चेक पोस्ट पर फहराया जाता है और इसे मार्च 2017 में स्थापित किया गया था। इस 120x80 फुट बड़े झंडे का वजन लगभग 55 टन है।
360 फुट ऊंचा ये झंडा इतना ऊंचा है कि इसे पाकिस्तान के लाहौर से देखा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट पर 418 फुट लंबा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया है। नए तिरंगे प्रोजेक्ट की लागत 3.5 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।